For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. सलमान ने अपनी नेक्स्ट रिलीज के लिए 400 करोड़ का अनुमान लगाया है और ये कोई काफी बड़ी रकम है सच होने के लिए, है ना? पर अगर ट्यूबलाइट की टीम ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। वैसे ट्यूबलाइट की प्रमोशन चालू भी हो गई है और हमने फर्स्ट लुक टीजर और ऑफिशियल पोस्टर भी देखा। इस साल सलमान की दो मूवी रिलीज होने वाली है, पहली है ट्यूबलाइट जो ईद में रिलीज होगी और दूसरी है टाइगर जिंदा है जो साल के अंत में रिलीज होगी। वेल, ट्यूबलाइट जरूर फैंटास्टिक होगी और इस फिल्म के साथ चाइनीज स्टार जुजू अपनी डेब्यू बॉलीवुड में करने वाली है। सलमान ने अपनी पिछली फिल्म्स में 300 करोड़ क्रॉस किया था और फैंस ट्यूबलाइट की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने इस इंडो चाइनीज फिल्म से तो लगता है कि फिल्म 400 करोड़ कमा ही लेगी। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें जरूर बताएं।